हे hey दोस्तों, मैं हूं नीलेश फ्रॉम वीटूवी क्लासेस। हम लोग के ब्रांच अवेलेबल है कल्याण डोमिलियन दिवा स्टेशन के नजदीक। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेंट्रल लाइन पे आने वाला साइंस स्टेशन पे सिचुएटेड, साइंस स्टेशन के नजदीक जो कॉलेज है उसके बारे में, जो है केजे सोमया कॉलेज में। चलो देखते हैं केजे सोमया कॉलेज एक्चुअल में है कैसा। तो केजे सोमया कॉलेज, सबसे पहले तो ये माइनॉरिटी कॉलेज है और इसमें गुजराती माइनॉरिटी अवेलेबल है। अभी ये कॉलेज में देखने जाए तो कौन सा ब्रांच अवेलेबल है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ब्रांच अवेलेबल है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसके 120 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद में आता है एआई एंड डेटा साइंस, जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद में आता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसके 120 सीट्स अवेलेबल है। अभी अगर ये माइनॉरिटी कॉलेज है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट कैसा रहेगा वो देखते हैं। सिंस यहाँ पे आप देख सकते हो 120 सीट्स एंड 60 सीट्स, तो हम लोग देखेंगे 120 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एंड 60 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। चलो देखते हैं। नाउ अगर मैं 60 सीट्स के बारे में बात करूं तो 60 सीट्स तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है महाराष्ट्र स्टेट लेवल, मतलब सीईटी लेवल। उसके बाद में माइनॉरिटी लेवल। उसके बाद में आता है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया मतलब जो लोग जेईई से पास होंगे उनके लिए 4 सीट वैकेंट रहेंगी, जो लोग माइनॉरिटी है उनके लिए 31 सीट, मतलब जो लोग गुजराती माइनॉरिटी है उनके लिए 31 सीट्स, एंड महाराष्ट्र स्टेट मतलब सीईटी से जाने वाले लोगों के लिए 25 सीट्स अवेलेबल है। ये 25 सीट्स को फर्दर बाइफरगेट किया है, जेंट्स के लिए 18, लेडीज के लिए 7। अभी ये तो हुआ डिस्ट्रीब्यूशन 60 सीट्स का। सिमिलरली 120 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो 120 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। महाराष्ट्र स्टेट लेवल मतलब सीईटी लेवल 50, माइनॉरिटी 61, ऑल ओवर इंडिया 9 सीट्स अवेलेबल है। एंड महाराष्ट्र स्टेट लेवल के जो सीट्स है उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जेंट्स के लिए 35 एंड लेडीज के लिए 15। अगर ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके आगे मैं तुम लोग से बात करूंगा फीस के बारे में। तो मतलब ये कॉलेज अपने को कितना चार्ज करेगा, तो ये कॉलेज अपने को अप्रोक्सीमेटली 1.6 लाख पर ईयर इतना चार्ज करेगा। इसका इस कॉलेज में जाने का बहुत अच्छा बेनिफिट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये कॉलेज से रिटर्न्स अपने को बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 7 लाख से लेके 31 लाख पर एनम इतना पैकेज ये कॉलेज ऑफर करता है। तो अगर आपको पैकेज चाहिए तो डेफिनेटली ये कॉलेज को आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको कौन से और कॉलेज के लिए चाहिए रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।